मेरी एस्टेब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि कितने करप्ट थे, आपकी जेआईटी ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था। आपकी आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरियां हैं, हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं, हमें अच्छे बुरे की तमीज है। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, देख लो अवाम किधर खड़ी है, सारी कौम इधर खड़ी है, और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी चोर है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे बताया। आज़ादी मार्च के तीसरे रोज मुरीद के मेशुका से खिताब करते हुए इमरान खान ने अपने 26 साल का बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर डाल दिया। कहा, इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनवाए, इस्टेब्लिशमेंट के GIT ने साबित किया कि नवाज शरीफ करप्ट थे। इमरान खान का कहना था कि भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं कि इमरान खान का इदारे से तसादम हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, जब फौज पर तनकीद करता हूं तो वो तामीरी तनकीद होती है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, भारत गलत फहमी में ना रहे, मैं सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहता हूँ, अवाम के हकूक की हिफाजत की जाए। चेयरमैन PTI का कहना था कि शहबाज शरीफ आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम भिजवाया, शहबाज शरीफ सुन लो बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैंने उनसे बात की जिनसे मिलने के लिए शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में जाते थे, शहबाज शरीफ तुम्हारे पास क्यों पैगाम भिजवाऊंगा, तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या। उनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ ने इन दोनों जमातों को हटाया तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, मुशर्रफ ने इन दोनों जमातों को NRO दिया तो मुल्क को नुकसान पहुँचा।